YouTube guys, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोजो टकाटक की आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, डिलीट करने का बहुत से कारण हो जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे अकाउंट बन जाते हैं, आईडी बन जाते हैं आपके मोजो टकाटक पर, और आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप खोज खोज के परेशान हो चुके हैं। तो मैं बताऊंगा कहाँ डिलीट का ऑप्शन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे चैनल पर जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और यहाँ से हम अपना टकाटक बाय मोज वाला आईडी जो है ओपन कर लेते हैं ऐप। तो यहाँ से हमारा ओपन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है, बहुत सारा यहाँ पे मोज का मेरा आईडी, मतलब टकाटक बाय मोज का आईडी बहुत सारा मेरा बन चुका है। मोज वाला भी और टकाटक दोनों मर्ज हो गया, तो ढेर सारा हो गया। तो यहाँ से मैं डिलीट करने का कोशिश करता हूँ, यहाँ से भी तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक मोज और टकाटक में ये डिलीट का ऑप्शन नहीं आया है परमानेंटली। तो आपको क्या करना है, आपको डिलीट करने के लिए अपने आना एडिट प्रोफाइल पे। यहाँ से सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फोटो को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद अपना यूज़र नेम जो है आपको उसको चेंज कर देना है, आप कोई दूसरा नाम रख दीजिएगा। तो यहाँ से मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, अभिषेक कुमार है, तो यहाँ से लिख देता हूँ अभिषेक कुमार। पहले मैं अंकुश अरिजीत लिख रहा था पासवान, तो उसको चेंज करके मैं अभिषेक कुमार कर दिया, मतलब किसी और का इसको अकाउंट बना दिया ऐसे फ़ोटो वोटो चेंज करके। और इसे क्या करेंगे, बायो जो अगर आप लिखे होंगे तो उसको भी आप चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ से यूज़र नेम भी हो गया चेंज, आईडी नेम भी चेंज, और यहाँ से आप बायो भी चेंज कर दीजिएगा। और जो आप इसमें वीडियो अपलोड किए होंगे, सारा वीडियोस को डिलीट कर दीजिएगा अपना वीडियोस। यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देता हूँ, अगर फ़ोन नंबर आप डाले होंगे तो फ़ोन नंबर भी आप रिमूव कर दीजिएगा। तो यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया है, और यहाँ से मैंने कर दिया है। तो देखिए मेरा आईडी एकदम न्यू बन चुका है, मतलब कि किसी और का अकाउंट बन चुका है। अब ये मेरा आईडी नहीं रहा, तो मेरे दोस्त या कोई भी अगर आके मुझे ढूंढेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा, तो अपने कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को दोस्तों अपने शेयर दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी अपने मोज के आईडीज और टकाटक के आईडीज को जो मैंने वीडियो में बताया वो टिप्स कर सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।